आज हम जिस जगह खड़े हैं यह डगड़वा नगर परिषद का वार्ड नंबर 14। इस मोहल्ले में अवस्थित है रामबन तालाब, जो सैकड़ों वर्ष पुराना तालाब है। यहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, यहाँ पर नया दिनचर्या नहाने का शुरुआत भी यहीं से सुबह से किया करते थे, लेकिन आज यह तालाब जो है आज इसकी स्थिति खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का गंदगी फैला हुआ है। आप देख सकते हैं पानी का क्या स्थिति है, नदी तालाब में प्लास्टिक भी तैर रहा है, गंदगी शराब के बोतलें फेंकी हुई है, और जो सीढ़ी जो देख रहे हैं आप, सीढ़ी का भी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपको ये भी बता दो कि जो शहर का जो भी मूर्तियाँ रखी जाती है, देवी देवताओं की प्रतिमा जो रखी जाती है, वो इसी तालाब में आकर विसर्जित की जाती है, लेकिन आज देखिए जो विसर्जन की हुई मूर्ति का जो अवशेष बचा हुआ है उसे भी नहीं निकाला गया, जिससे तालाब और दूषित हो गया है। आज हमारे साथ इस वार्ड के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस तालाब के बारे में बताएंगे कि ऐसा आखिर क्यों रख रखाव हो रहा है। जी, सफाई नहीं होता है, इसकी वजह से गंदा है। सफाई होता तो गंदा नहीं होता। बहुत लोग यहाँ मूर्ति भी विसर्जन होता है, ढंग से सफाई नहीं हो पाता है। अभी आप देखेंगे मूर्ति विसर्जन हुआ, उसका भी अवशेष रखा हुआ है जो नहीं निकलने की वजह से गंदगी, और लोग लेटरिन करते हैं इतना कि जिसका कोई देखभाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग तालाब के अंदर ही अपना सोच करते हैं, जबकि सरकार ने गढ़वा जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, कई प्रखंड को ओडीएफ घोषित कर दिया जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे बीच शहर का जो तालाब है वहाँ पर वो ओडीएफ घोषित नहीं हो पाया है, यह वार्ड जो है ओडीएफ घोषित नहीं हो पाया है। इस तालाब के बारे में है कि सही तरीके से साफ सफाई नहीं होता है, और यहाँ पर अगल बगल में एक शौचालय भी बना हुआ है, उसमें पानी का व्यवस्था नहीं है, इस चलते तालाब के किनारे लोग लैट्रिन करते हैं, तालाब गंदा हो रहा है, साथ ही साथ इसमें इतनी मूर्तियाँ विसर्जित होती है जिसकी सही तरीके से सफाई पर नहीं हो पाता है, और किनारे किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या कहेंगे जिस तरह से तालाब के अंदर जो आप देख रहे हैं कि शौच किया हुआ है, मैला फेंका हुआ है, यह शौचालय प्रधानमंत्री स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो इस तरह किया जाए जागरूकता कमी नहीं है आपको? जी, यहाँ पर जो है सही तरीके से सुरक्षा रखाव नहीं है, जिस चलते गंदगी फैला हुआ है। आइए हमारे साथ जो तालाब के जो केयर टेकर है, जो यहाँ के दूध देख रेख करते हैं, वो भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं क्या की तालाब गंदा कैसे होता है। तालाब गंदा है, लेटरिन करने से हुआ है, बस स्टैंड बगल में है, आने जाने का रास्ता नहीं है, कहीं सीधा पाते हैं, सब इसी में आते हैं, अगल बगल के गांव घर के भी सब इसी में आते हैं। नहीं, अच्छा शौचालय रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, बाकी अभी शौचालय नहीं है, जिधर पानी देखता है उधर ही बैठता है, ना पानी के शौचालय भी बना था, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये तालाब तो जो कदम घाट देख रहे हैं वहाँ पे, पहले हम लोग वहाँ पे रात में विश्राम करते थे, गर्मी के दिन में बैठते थे वहाँ पर, आप पैर रखने का जगह नहीं है, इतना शौच है, लेटरिन है। अब दूसरा बात कि उधर से जो भी पानी आती है कमलापुरी डैम से, टोटल मैंने गंदगी पानी आती है, जो मोबिल सोबिल का भैया लेटरिन का पानी वहाँ पे घर है और डायरेक्ट पानी तालाब में आती है, उससे भी गंदगी हो रही है। मान लीजिए वार्ड पार्षद हो चाहे अध्यक्ष महोदय हो, कोई भी मतलब ध्यान इस पे नहीं है, उतना नहीं है, उतना ध्यान रहता था। और शौचालय भी अभी सनपुरवा में बहुत के यहाँ नहीं है, इसलिए शौच के लिए यहाँ सब आते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि अभी जो इनका जो आरोप है, जो यहाँ के वार्ड पार्षद है, उनका इस तालाब की ओर प्रति ध्यान नहीं है, जिसके चलते यह तालाब आज भी गंदगी में तब्दील हो रहा है। तो एसके सतपति के समय ही इसको सुंदरीकरण किया गया था, और इसमें बोर्ड और प्लस पार्क के तरह इसको सजा उजा के किया गया था, ताकि इसमें बच्चे लोग खेले और शहर के लोग आवे घूमे देखे अच्छा कैसा शहर में ये तालाब है। आज स्थिति ऐसा है कि तालाब के बाईं ओर शौचालय बना हुआ है, अगर उस शौचालय सुचारू रूप से चालू रहता, पानी की वहाँ व्यवस्था रहता, तो लोग यहाँ शौच नहीं करते। शौच करने का कारण है कि पानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहाँ लोग शौच कर रहे हैं। संपूर्वा वासी वार्ड नंबर 14 के जितने लोग हैं उनका तकलीफ यही है कि वो व्यवस्था चाह रहे हैं, कितने घर में शौच नहीं है। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत शौचालय बनाने का भी चल रहा है,
वार्ड पार्षद थोड़ा सक्रिय हो तो शौचालय बन जाए तो इसमें राहत मिल सकता है। स्वच्छ गढ़वा स्वच्छ भारत का नारा भी दिया जा रहा है, लेकिन आज यह नारा कहीं न कहीं खोखला साबित हो रहा है। चंदन कश्यप, जी पुरवैया, गढ़वा।